हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। हमें जो सब्सटेंस सही है हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, ये पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने मटेरियल्स को या सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो पहला देखो, हम यही पढ़ने वाले मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड कौन कौन से सेपरेशन से, है ना। तो देखो पहला है हैंड पिकिंग। अब देखो हैंड पिकिंग में मतलब क्या, नेम से ही पता लग रहा है कि ऐसे हम उसको प्रोसेस करें जिसमें हमारा हैंड यूज हो, है ना। जैसे कि मैं बात करूँ, जब हम वो ग्रेन में से या राइस में से या व्हीट में से हम स्टोन को अलग करते हैं एक एक करके, है ना। जिसको हम बोलते हैं कि चावल में से हमको वो स्टोन अलग करना है ना, व्हीट में से हमें क्या करना है, स्टोन अलग करना है, बाय द किससे, बाय द हैंड, ठीक है। तो हैंड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक एक पत्थर उसमें से अलग करते रहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि हम चावल में से पत्थर निकालते हैं, बीजते हैं उसको, है ना। तो उस हम किसके थ्रू करते हैं, हैंड के थ्रू करते हैं, है ना। हैंड के थ्रू हम पिक करते हैं, उसको बाहर देखते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। दूसरा है थ्रेशिंग। अब देखो थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग में जैसे कि हमने फसल उगाई, फसल के साथ हमें अगर मैंने राइस क्रॉप मैंने उगाया तो क्या होगा, उसमें उसके साथ साथ कुछ उसके स्टॉक वगैरह भी जाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उस बीज जो है आपकी, है ना, उसमें से हम किसको अलग कर रहे हैं, स्टॉक को अलग कर, है ना। यानी ग्रेन में से आप स्टॉक को अलग कर रहे हैं, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस, हम क्या कर रहे हैं, ग्रेन में से स्टॉक को अलग कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग, द प्रोसेस बाय विच सेपरेट द ग्रेन इन द स्टॉक टू द स्टॉक, तो क्या होगा आपका, थ्रेशिंग होगा, ठीक है, उसका हम थ्रेशिंग बोलते हैं। लास्ट उसके बाद है हमारा विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई हैवियर मटेरियल से लाइटर मटेरियल अलग कर, है ना, जो हैवियर है वो नीचे और जो लाइटर है वो उड़ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि तेज हवा चल रही है और मुझे जो मेरे पास छटा हुआ जो ग्रेन है मेरे पास, अगर मैं उसको ऐसे गिराऊं नीचे, तो जो हल्के पार्टिकल्स होंगे उसके, है ना, जो सूखे हुए मटेरियल्स होंगे वो उड़ के आगे की तरफ चले जाएंगे, और जो बीज होंगे मेरे उसके, यानी गेहूं वगैरह जो होगा या चावल वगैरह जो होगा वो नीचे गिर जाएगा, है ना। यानी क्या हो रहा है, जो एयर आ रही है आपकी, एयर से उस जो सूखे हुए जो छोटे छोटे आपके मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उड़ के साइड चले जाएंगे, और जो हैवियर्स हैं जो वो नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, विनोइंग प्रोसेस। विनोइंग प्रोसेस मतलब हम क्या करें, हम यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, और हमने क्या किया, एक बर्तन में वो मटेरियल रखा, उसको नीचे गिराया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से हवा चल रही था, ठीक है, हवा चलती थी काफी, तो जो छोटी छोटी मटेरियल्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, ऐसे ऐसे उड़ जाएंगे आप, है ना, ये उड़ जाएंगे, और जो हैवी मटेरियल होंगे वो नीचे इकट्ठा होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। अच्छा आगे चलते हैं, इसमें देखो शीविंग। अब देखो शीविंग क्या चीज है, शीविंग का मतलब जैसे कि हम आटा छान, है ना, तो क्या होता है, आटा हम फ्लोर बोलते हैं उसको, तो क्या होगा, जो आपका प्योर जो फ्लोर होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो उसके जो आपके मटेरियल्स रह जाते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग, जो ढंग से नहीं पिस पाते, है ना, वो अलग हो जाते हैं, और जो प्योर फ्लोर होता है वो आपका छन जाता है, उसको बाय द मटेरियल क्या बोलते हैं, उसको छन्नी, उससे हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं, ठीक है, ताकि प्योर फ्लोर जो है आपका वो नीचे जम जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेविंग। चल आगे चलते हैं, उसके बाद है सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो देखो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि आप इसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस में आप उसके अंदर लिक्विड मिलाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास कोई ऐसा कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर आपकी कोई मिट्टी जमा है, मिट्टी जमा है इसके, डस्ट है इसके, हमने क्या कहते हैं, वाटर मिला के, इसके अंदर वाटर मिला के, वाटर मिलाने से क्या होगा, ठीक है, हमने क्या किया, जो आपके इसके अंदर जो मटेरियल है, इस जो डस्ट वगैरह है, इसमें हमने वाटर मिला दिया, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो डस्ट है आपको वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और जो वाटर है वो ऊपर की तरफ, हम इसमें से क्या कर सकते हैं, डस्ट को अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं, है ना। तो द प्रोसेस बाय विच वाटर एडेड इन द डस्ट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन उसे ही कहते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी डस्ट मेटल में जब हम वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है, हम इस डस्ट को अलग कर लेते हैं, वाटर अलग कर लेते हैं, यानी कि क्या करेंगे हम कोई अलग एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, और ये जो वाटर है इसके अंदर, ये वाटर है, हम इसको इसके अंदर गिरा खींचने देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा वाटर आ जाएगा और इसके अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, डस्ट बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन, ठीक। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जैसे नाम से पता लग रहा है, क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, है ना। जैसे कि मैं बात करूँ नॉर्मल एग्जांपल से लेके, जैसे हमने चाय पत्ती छान ली है ना चाय से, तो हम क्या करेंगे, एक चाय छन्नी यूज करेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसकी एक पकड़ने वाला होता है हैंड, ठीक है, और जो भी आप जो चाय डालते हो और जो आपकी जो कप होती है ना, तो क्या होगा कि आपकी जो प्योर चाय जो होगी, है ना, वो तो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, और जो टी लीव्स होते हैं आपके, टी लीव्स जो होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और प्योर जो टी होती है आपकी वाटर वाली, वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको जिससे कि हम लिक्विड से वेपर में चेंज करते हैं, है ना, लिक्विड को किस में चेंज करते हैं, वेपर में। देखो मतलब क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ये मैंने ले लिया आपका एक बर्नर है, इसके ऊपर मैंने पतीला रख दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया, ठीक है। अब नीचे से इसमें मैंने फायर आग जलाई, ठीक है, यानी आग जल दी हमने, यहाँ पे आग जलने से क्या होगा, ये आपका जो पतीला रखा हुआ है ऊपर, जो कंटेनर रखा हुआ है, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो वाटर है इसके अंदर वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉइल होते होते क्या क्या करेगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, ठीक है। यानी जो भाप जो निकलती है इसमें से, जैसे जैसे ये हीट होता चला जाएगा वैसे वैसे ये वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड से इसमें चेंज कर रहे हैं वेपर में। जब भी हम किसी प्रोसेस में लिक्विड से वेपर में चेंज करते हैं, ठीक है, बाय द हीट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कंडेंसेशन। अब देखो जो हमारा एक कंडेंसेशन है, ये भी एक प्रोसेस है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई भी आपका मटेरियल है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर वाटर है, ठीक है, तो वाटर को जब हम वेपर करते हैं और वेपर से अगर हम दोबारा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि इसके अंदर वेपर निकल रहा है, अगर मैंने यहाँ पे कोई एक मटेरियल लगा दिया, ठीक है, मतलब कोई एक ढक्कन लगा दिया ऊपर, पतीले के ऊपर नहीं, इससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर, तो क्या होगा, इसके जो वेपर होंगे वो इस पे लगेंगे, ठीक है, इसकी सरफेस पे लगेंगे वो वेपर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड ड्रॉप्स, फिर ये ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, कंडेंसेशन में हम वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो वेपर है, ये जो वेपर है इससे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में, ध्यान रखना। इवेपोरेशन में क्या था, लिक्विड से वेपर में, कंडेंसेशन में क्या था, वेपर से लिक्विड में, ठीक है। चलो सैचुरेटेड में आ जाओ। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि
हम वाटर में, ठीक है, तब तक मटेरियल्स मिक्स करते चले जाएंगे जब तक कि उसके अंदर और मिक्स ना किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर लिया, अब इसके अंदर हम साल्ट तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह मिक्स ना हो जाए। मतलब कि इतना वाटर, इतना साल्ट इसमें डालते रहेंगे कि और दोबारा साल्ट हम जब मिक्स करेंगे वो इसमें मिक्स ना हो। ठीक है, तो यानी वो स्टेज, वो ऐसी स्टेज जहां तक इसमें दोबारा नमक डालने की जरूरत ना हो। ठीक है, जहां तक इसमें पूरी तरह साल्ट घुल चुका हो, है ना, दोबारा साल्ट देने की जरूरत नहीं हो, ठीक है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, यानी उस टाइम पे ये सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। जैसे हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो ये हमारा लेसन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है।